आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था दैट प्लांट रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट रिक्वायर्ड द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एट द सेम टाइम वन ऑफ द रॉ मटेरियल इज व्हाट? वाटर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट को एटमॉस्फेयर से मिल रही है, बट वाटर इज गेटिंग फ्रॉम इट्स नियरेस्ट सोर्स। प्लांट के लिए क्या है? सॉइल है, ठीक है। प्लांट की रूट्स सॉइल के टच में है, सो ऑल द न्यूट्रिएंट अदर देन द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट इज गेटिंग फ्रॉम द सॉइल। सो वी कैन से फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द रिचेस्ट एंड द नियरेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड अदर मिनरल, ठीक है। सो इन एडिशन टू वाटर सम अदर मिनरल्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। नाउ इफ द प्लांट इज ऑफ शॉर्ट इन साइज, ठीक है, एक तो आपके बड़े ट्रीज हुए जिनकी रूट्स डीपली इन्फ्यूज होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, बट अगर जो स्मॉल प्लांट्स हैं उनकी रूट्स उतनी ज़्यादा डीपली रूटेड नहीं होती, सो वी कैन से सॉइल और क्लोरोफिल के बीच में कम डिस्टेंस होता है। तो जितना भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है, फॉर एग्जांपल अगर वाटर हुआ या कोई भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ऑल दीज मिनरल एंड वाटर कैन ईजिली ट्रांसपोर्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो अगर प्लांट स्मॉल साइज का है, रूट्स उसकी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है, ज़्यादा डीपली रूटेड नहीं है, सो क्लोरोफिल तक इन सब मटेरियल्स को पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता एंड इट दिस प्रोसेस इज ओनली टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सिंपल इंटरमिक्सिंग होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर में इंक की एक ड्रॉप डालें और इंक एकदम से पूरा फैल जाता है, तो दैट इज़ अ डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस। तो इन स्मॉल प्लांट्स वाटर ईजिली ट्रेवल थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस, बट इन केस ऑफ टॉलर प्लांट डिफ्यूजन इज नॉट, वी कैन से sufficient to provide all the nutrient material. So first question, why transportation system is required in tall plants? ठीक है, तो हमें transportation system क्यों चाहिए? So answer is, when the distance between roots and the leaves are very large, ठीक है, in case of tall plants, the distance between roots and leaves are very large and the diffusion pressure is not sufficient to provide all the raw material in leaves. So diffusion pressure sufficient नहीं होगा in providing all the raw material to leaves and energy in case of roots. क्योंकि जो photosynthesis से energy release होती है वो roots में required होती है. So diffusion pressure will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. That's why proper transportation system is required in tall plants. Now the next question is, why do plants have low energy needs? ठीक है, so energy needs differ from different body design. For example, humans की energy need different है, plant की energy need different है. Now why it is different? Because plants do not move and the plant bodies have large proportion of dead cell. Due to these two points, that is plants do not move, okay, and second point, a large proportion of dead cell in many tissues. As a result, plants have a low energy needs and a very slow system can also transport water and food to different parts. So we can say plant transport system include two major pathways, that is one of transport of energy from leaves to different parts and second transport of raw material from roots to the leaves. So the first component is xylem. Through xylem transportation of water and mineral from the soil is taking place. जाइलम के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, आपने क्लास नाइन्थ में इनके स्ट्रक्चर स्टडी किए हैं, ट्रैकियाड, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. नाउ आउट ऑफ ऑल दीज कॉम्पोनेंट, ट्रैकियाड एंड जाइलम वेसल फॉर्म अ कंडक्टिंग एलिमेंट,
ठीक है, ये कंडक्टिंग एलिमेंट विच फॉर्म कॉन्टिन्यूस ट्यूब, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इट फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस ट्यूब, ठीक है, डिफरेंट कॉम्पोनेंट से मिला के कॉम्पोनेंट से डिफरेंट ट्यूब्स फॉर्म होती हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस ट्यूब इन प्लांट विच रन फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड टू द वेन्स ऑफ लीव्स. तो ये एक चैनल बनाता है जाइलम, जो रूट से लेके लीव्स तक प्रोवाइड करता है वाटर. नाउ एज जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, देन द फ्लोएम इज द कॉम्पोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. ठीक है, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फ्लोएम अपने 9th क्लास में अगेन किए हुए हैं. सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर. आउट ऑफ दिस हेयर ओनली द सीव ट्यूब आर द कंडक्टिंग वी कैन से एलिमेंट इन फ्लोएम. इन केस ऑफ जाइलम ट्रैकियाड एंड जाइलम वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन. इन केस ऑफ फ्लोएम ओनली सीव ट्यूब्स फॉर्मिंग द कंडक्टिंग एलिमेंट इन फ्लोएम. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंट ऑफ सैप. सो इट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट. ठीक है, तो ये मूवमेंट को ही हम द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. सो एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस बाय दीज फोर मेथड्स, दैट इज अ रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन, एडहेशन एंड कोहेशन फोर्सेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड ट्रांसपीरेशन पुल. राइटिंग पार्ट में आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बट वी विल डिस्कस हेयर द फैक्टर्स कैसे रूट प्रेशर क्रिएट होगा, कैपिलरी एक्शन, देन द एडहेशन फोर्सेस. सो वी कैन से इन रूट्स, ठीक है, ये एक डायग्राम से बनाया हुआ है हमने. रूट्स हैं, रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे. एब्जॉर्प्शन से पहले यहाँ पर डिफरेंट आयंस की कंसेंट्रेशन है. रूट्स में कुछ है और रूट्स के बाहर डिफरेंट है. बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन ऑस्मोसिस विल टेक्स प्लेस. ठीक है, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ वी कैन से सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एंटर करेगा रूट हेयर्स में. ठीक है, और बिकॉज ऑफ दिस कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब जो डिफरेंस होता है कंसेंट्रेशन का इन द रूट हेयर्स एंड इन द सोइल, वाटर इज पुशेज इन टू द रूट्स, दैट इज थ्रू ऑस्मोसिस. वी कैन से रूट प्रेशर इज क्रिएटेड थ्रू विच वाटर इज पुशेज इन टू द रूट्स एंड इट रीचेज द स्टेम पार्ट. सो वाटर फ्रॉम द सॉइल रूट मूव कर गया बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर, और वी कैन से द ऑस्मोसिस पार्ट. ठीक है, अब फर्दर थोड़ा सा कॉलम वाटर राइज करेगा यूजिंग कैपिलरी एक्शन. ठीक है, अगर आपने कैपिलरी एक्शन देखना है तो आप कोई भी एक पेन की रिफिल लें, ट्रांसपेरेंट पेन की रिफिल जो खाली हो, जैसे पेन का जो बाहर का कवर टाइप होता है. ठीक है, और उसको पानी में डिप करें तो बिना सक किए आपका पानी थोड़ा सा वाटर लेवल इसमें राइज कर जाएगा. सो दिस इज द कैपिलरी एक्शन जिसमें वाटर इट्सेल्फ राइजेस टू सम पॉइंट, पूरा एंड तक नहीं आता है, बट अगर कोई एक पाइप है, स्ट्रॉ है, तो उसके थोड़े से सेक्शन में जो वाटर राइज कर जाएगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज नोन एज द कैपिलरी एक्शन. तो फ्रॉम रूट्स सॉइल टू रूट एंड रूट हेयर टू रूट्स एंड टू द इंटरनल कॉर्टेक्स पार्ट द वॉटर राइजेस बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्रॉम वॉटर फ्रॉम सॉइल टू द रूट हेयर, रूट हेयर टू द बेस ऑफ द स्टेम. ठीक है, नाउ बेस ऑफ फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू द जाइलम कॉम्पोनेंट. पहले मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, एक जाइलम कॉम्पोनेंट था जो बनता है ट्रैकियाइड एंड द जाइलम वेसल से. ठीक है, अब इसमें जो वाटर राइज करता है दैट इज बिकॉज ऑफ एडहेशन एंड कोहेशन. ठीक है, कोहेशन होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल. तो जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनके बीच की जो अट्रैक्शन होती है दैट इज नोन एज द कोहेशन. और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करके बोलूँ तो अगर आप वाटर ड्रॉप जब भी गिरती है तो वो सर्कुलर शेप की हो जाती है इस तरह से. तो रीजन वाटर आपस में ही अट्रैक्ट होके एक कंपाइल फॉर्म बनाता है, तो दैट इज द फोर्स ऑफ कोहेशन. पर जैसे ही वाटर सॉइल पे या लैंड पे लाई करता है तो वो एकदम से फ्लैट हो जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ एडहेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट. एक तो वाटर हो गया और दूसरी सर्फेस होगी, तो दोनों के कॉम्पोनेंट डिफरेंट हो गए,
तो इस तरह से ये क्या कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अधेशन। तो अब ये हमारा जाइलम कंडक्टिंग चैनल है। वाटर क्योंकि आपस में बॉन्डेड है स्ट्रांगली, दैट इज अ फोर्स ऑफ कोहेशन, तो ये एक कॉन्टिन्यूस चैनल बनाता है। एट द सेम टाइम अधेशन फोर्स से ये ऊपर की तरफ जाइल वेसल से वी कैन से कॉन्टैक्ट बनाता है। तो वाई, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अधेशन एंड कोहेशन द वॉटर राइजेज इन द जाइलम वेसल। सो नाउ द वॉटर राइजेज द वी कैन से लीव्स पार्ट, ठीक है। अब लीव्स में ट्रांसपिरेशन हो रही है, दैट इज लॉस ऑफ वाटर टू द एटमोसफियर, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन होने से यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा। दिस वैक्यूम विल वी कैन से पुशेज द वॉटर अपवर्ड्स टूवर्ड्स द लीव। सो वी कैन से ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वॉटर थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। हमने फोटोसिंथेसिस टॉपिक में स्टोमेटा टॉपिक किया था। सो लॉस ऑफ वॉटर थ्रू स्टोमेटा इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, एंड ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा क्रिएट अ सक्शन पंप, ठीक है। एक सक्शन, एक वैक्यूम बनाता है विच इज कॉल्ड अ ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा जिससे वाटर राइज कर जाएगा, एंड दिस ट्रांसपिरेशन पुल सक्स द वाटर कॉलम फ्रॉम जाइलम ट्यूब, एंड दस वाटर इज एबल टू राइज टू अ ग्रेटर हाइट्स इवन इन द टॉलेस्ट प्लांट। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल ही है जो वाटर को हाई हाइट तक लेके जाता है। यहाँ पे ये तीन दो सेक्शन तो रूट्स में काम करते हैं, अधेशन जाइलम कॉलम में काम करता है, बट टुवर्ड्स लीव्स अगर वाटर पहुँचना है देन द ट्रांसपिरेशन पुल इज द मेजर रोल। एंड ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, ठीक है। ट्रांसपिरेशन मूवमेंट के साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन लॉस से एवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट जो आता है, दैट इज टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो डे में काम करेगा बिकॉज टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस दिन में ही होता है, बट इन केस ऑफ नाइट वाटर की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज डन बाय द रूट प्रेशर। तो मेजर ड्राइविंग फोर्स रूट प्रेशर है एट द नाइट, एंड द ट्रांसपिरेशन पुल है ड्यूरिंग द डे टाइम। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। नाउ लेट अस कंसिडर्ड हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट, ठीक है। तो अभी तक हमने वाटर डिस्कस किया है, अब फूड कैसे ट्रेवल करता है वो हम डिस्कस करेंगे। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो ये 1 मार्क डेफिनेशन में आता है। व्हाट इज अ ट्रांसलोकेशन? इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, एंड इट अकर्स इन द वेस्कुलर टिश्यूज कॉल्ड फ्लोएम, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन कहाँ होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होगा, एंड इट टेक्स प्लेस इन फ्लोएम। नाउ थ्रू फ्लोएम इन एडिशन टू फूड अमीनो एसिड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स, एंड दीज पार्ट्स आर फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स। तो जितने भी प्लांट की ग्रोइंग ऑर्गन हैं, रूट्स हैं, और वी कैन से बर्ड्स एंड स्टेम्स हैं, वहाँ पे इन एडिशन टू फूड अमीनो एसिड प्रोवाइड होते हैं थ्रू फ्लोएम। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि फ्लोएम में सीव ट्यूब प्रेजेंट है। नाउ सीव ट्यूब्स आर सराउंडेड बाय द कंपेनियन सेल। तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू सीव ट्यूब टू द एडजेसेंट कंपेनियन सेल होता है, एंड इट टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। जो वाटर का मूवमेंट था वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल था जाइलम के केस में, इन ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट फ्लोएम के केस में डायरेक्शन बोथ होती है, दैट इज इन द अपवर्ड एज वेल एज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इन द जाइलम एंड फ्लोएम इज दैट द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम, ठीक है, वाटर तो उसमें नॉर्मली रूट प्रेशर से मूव कर रहा था, बट ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सुक्रोज है, मटीरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इन टू फ्लोएम टिश्यूज, तो एनर्जी इज यूज फ्रॉम ATP, ठीक है। सो ATP इज एडीनो ट्राईफॉस्फेट, जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो एनर्जी यूज हो जाएगी इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड।
सो सुक्रोज जब फ्लोएम टिश्यूज में वी कैन से ट्रांसफर हुआ बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी, इट इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट टिश्यू. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया. नाउ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर मूव कर जाएगा टिश्यू के अंदर. नाउ हाई प्रेशर इन दैट टिश्यूज, ड्यू टू हाई प्रेशर इन दैट टिश्यूज, इट मूव टूवर्ड द डायरेक्शन वेयर इट हैज अ लेस प्रेशर. देर इज ऑलवेज मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, सो फ्लोएम जैसे ही फूड प्रोडक्ट फ्लोएम टिश्यूज में एंटर हुआ, देर इज एन इंक्रीज इन प्रेशर, एट ऑस्मोटिक प्रेशर. अब वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए इट मूव टूवर्ड द डायरेक्शन वेयर देर इज लेस प्रेशर. सो बाय दिस अलाउ द फ्लोएम्स टू मूवमेंट ऑफ मटीरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के फॉर एग्जाम्पल लीव्स हैं, जहाँ पे सुक्रोज और वी कैन से फूड प्रिपेयर्ड हुआ, इट एंटर्स इन टू द वी कैन से फ्लोएम टिश्यूज. अब उसके आसपास के टिश्यू में तो प्रेशर कम है और यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो उस प्रेशर से फूड कहाँ मूव करेगा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वी कैन से इन दैट डायरेक्शन विच रिक्वायर्ड द फूड और वी कैन से विच रिक्वायर्ड एनर्जी टू ग्रो.